अग्निशिखा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं जफर आज जिस आयुर्वेदिक औषधि को लेकर आया हूँ उसका नाम है धाताकी या वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे धाताकी क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, क्या है इसकी पहचान, क्या है इसके आयुर्वेदिक गुण और क्या क्या सावधानियाँ हमने इसका इस्तेमाल करते समय रखनी है। यह एक झाड़ी नुमा वनस्पति है जो कि पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है और यह लगभग 2000 मीटर समुद्र तल से ऊपर सारे भारतवर्ष में मिल जाती है। इसके बहुत से नाम हैं, जैसे हिंदी में इसे धाया, धाताकी, इंग्लिश में फायर फ्लेम बुश, तेलुगु में आरे पुबू, तमिल में धातारी जर्गी, गुजराती में धावाड़ी, बंगाली में धाई, मराठी में धालास, पंजाबी में धावी और फारसी में धावा कहते हैं। इसके बहुत से संस्कृत नाम हैं जो कि इसके गुणों पर आधारित हैं, जैसे धातु पुष्पी क्योंकि इसके फूल लाल रंग के होते हैं, वाणी ज्वाला क्योंकि इसके फूल जलती हुई आग के समान होते हैं, ताम्र पुष्पी क्योंकि इसके फूल लाल होते हैं, मदकरा क्योंकि यह फर्मेंटेशन करवाने के काम आती है, और मद्यवासिनी क्योंकि इसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाता है, और दादीमी पत्रा क्योंकि इसके पत्ते अनार के पत्तों के समान होते हैं। अब जानते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। इसका रस या स्वाद कसेला या काश्य होता है। यह गुणों में लघु है, यानी कि यह पचने में बहुत आसान होती है। यह रूक्ष है। इसका वीर्य शीत होता है, अर्थात इसकी तासीर ठंडी होती है। इसका विपाका, अर्थात यह पच जाने के बाद कड़वी होती है, और तीन दोषों में से यह कफ और पित्त दोष को दूर करती है। मुख्य रूप से इसके फूल औषधीय तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके फूल बहुत ही रसीले होते हैं और जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हर फूल में शहद के समान मीठा रस भरा रहता है। इसके बहुत से आयुर्वेदिक उपयोग हैं। सर्वप्रथम उपयोग उन औरतों के लिए जिन्हें श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम है। श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया में एक सफ़ेद रंग का पदार्थ योनि से निकलता रहता है और इससे बहुत ही पीड़ा और कमजोरी का अनुभव होता है। आयुर्वेद के अनुसार ल्यूकोरिया कफ दोष बढ़ जाने के कारण होता है और इसके काश्य गुण कफ को बहुत ही कम करते हैं और ल्यूकोरिया से होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमने इसके सूखे फूलों का पाउडर बना लेना है और चौथा हिस्सा या आधा चम्मच सुबह शाम हम पानी से या शहद के साथ लेते रहेंगे तो ल्यूकोरिया की समस्या में बहुत जल्द आराम मिलेगा। अगला प्रयोग उन स्त्रियों के लिए जिन्हें मासिक धर्म बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा मासिक धर्म होने से खून बहुत ज़्यादा बहता है, जिसके कारण पेट में दर्द और कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए धाताकी बहुत ही एक अच्छा उपयोग है। आयुर्वेद के अनुसार मासिक धर्म की अधिकता पित्त दोष बढ़ जाने के कारण होती है और धाताकी में बहुत ही अधिक शीत गुण हैं और ये काश्य गुणों के कारण पित्त दोष को बहुत कम करती है। इस प्रकार ये मासिक धर्म की अधिकता को बहुत जल्द ही ठीक कर सकती है। इसके लिए भी आपने धाताकी के फूलों का पाउडर बना लेना है और सुबह शाम आधा चम्मच धाताकी के पाउडर को पानी के साथ लेते रहना है। कुछ देर में ही मासिक धर्म की अधिकता ठीक हो जाएगी। अगला प्रयोग उनके लिए जिनके पेट में कीड़े हैं। पेट के कीड़े होने से बहुत सी समस्या होती है, खाया पिया नहीं लगता और पेट में दर्द भी रहती है, और इसकी वजह से हमें जो समस्याएं होती हैं उसमें धाताकी बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकती है। धाताकी आयुर्वेद के अनुसार कृमि घना या एंटी वॉर्म प्रॉपर्टीज के साथ धाताकी हमारे पेट के कीड़ों की ग्रोथ को भी रोकती है और उन्हें ख़त्म करके शरीर से बाहर निकालने में बहुत ही सहायक होती है। अगला प्रयोग उनके लिए जिनके चेहरे पर कील मुहासे हैं। कील मुहासे अक्सर हमारे
हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से हो जाते हैं और अलग अलग सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो पाते, तो यहाँ धाता की हमारे लिए बिल्कुल मुफ्त का एक इलाज है। इसके लिए आपने धाता की के पाउडर का पेस्ट बना लेना है और अपने चेहरे पर लगभग एक घंटा लगा लेने के बाद में इसे गुनगुने पानी से धो लेना है। धाता की में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इस प्रकार धाता की हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग है। अगला उपयोग उनके लिए जिनके दांतों में बहुत दर्द है और दांतों में सुराख हो जाने की वजह से बहुत ही जल्दी उन्हें ठंडा या गर्म लगता रहता है, तो दांतों के दर्द के लिए भी धाता की बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके लिए धाता की का काढ़ा बनाकर आप उल्ली भी कर सकते हैं और कुछ मात्रा में धाता की का पाउडर खा भी सकते हैं, क्योंकि धाता की में बहुत ही अधिक मात्रा में एनल्जेसिक गुण होते हैं। इस प्रकार यह हमारे दांतों के दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। अगला उपयोग उनके लिए जिन्हें डायरिया है, डायरिया को आयुर्वेदिक भाषा में अतिसार कहा जाता है। इसमें हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है और अतिसार की स्थिति में भी हम धाता की का उपयोग बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए भी आपने धाता की के पाउडर को लगभग आधा चम्मच सुबह शाम लेना है और कुछ ही देर में आपके अतिसार में धाता की बहुत ही जादुई असर करते हुए आपको आराम दिलाएगी। अपने गलत खान पान की वजह से, अधिक मसालेदार खाने से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या अत्यधिक दवाइयों का सेवन करने से हमारे पेट में अक्सर जख्म हो जाते हैं जिन्हें अल्सर कहा जाता है। तो अगला उपयोग उनके लिए जिन्हें अल्सर है, अल्सर होने से पेट में बहुत ही दर्द होता है और अल्सर हमेशा पित्त के बढ़ जाने से होते हैं और हमारे पेट में उपस्थित एसिड भी अल्सर को बहुत बढ़ाता है, तो धाता की इसमें बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि धाता की हमारे पेट में एसिड का निकलना कम करती है। इस प्रकार यह अल्सर को ठीक कर सकती है। इसमें शीत गुण होते हैं और यह पित्त दोष को कम करती है। इस प्रकार यह एक बहुत अच्छी अल्सर की औषधि है। अगला उपयोग उनके लिए जिन्हें दमा की प्रॉब्लम है या अस्थमा है। अस्थमा हो जाने पर हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और बसंत की ऋतु में जब पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो यह प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और यह एक प्रकृति का करिश्मा ही है कि धाताकी के फूल भी बसंत ऋतु में ही खिलते हैं। दमा की प्रॉब्लम कफ दोष बढ़ जाने के कारण होती है और यह कफ दोष को शांत करती है। हमारी श्वास नली और लंग्स में उपस्थित अत्यधिक कफ को निकालने में बहुत ही सहायक होती है और इस प्रकार यह दमा में बहुत ही आराम देने वाली औषधि है। अगला उपयोग उनके लिए जिन्हें किसी प्रकार का जख्म है और जख्म पे बहुत ही ज़्यादा सूजन हो गई है, तो धाता की का पाउडर हम शहद में और पानी में मिलाकर अगर अपने जख्म वाली जगह पर लगाएं तो उसकी सूजन भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और वह जख्म बहुत जल्दी भरने लगेगा। धाता की एक बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता हमें मुसीबत में डाल सकती है। इसकी उपयुक्त डोज या मात्रा है चौथा हिस्सा चम्मच का या आधा चम्मच। इससे ज़्यादा लेने पर आप डेलीरियम की स्थिति में चले जाएंगे, जो कि एक मानसिक स्थिति है जिसमें आप सोचने समझने की ताकत कुछ देर के लिए खो देते हैं और आप स्ट्रेस में चले जाएंगे और मानसिक रोगियों की तरह व्यवहार करने लगेंगे। इसीलिए धाता की का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में करना है और किसी अच्छे चिकित्सक या वेद हकीम की देखरेख में ही करना है। आशा है कि अब आपको उपयुक्त जानकारी धाताकी के बारे में मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे घर के आसपास पाए जाने वाली औषधीय पौधों का हम उपयोग कर सकें और सेहतमंद रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।